The session will expire. आकार हे दिसतोय आणि हे पण दाखवतंय की नंबर 1 मध्ये आहे. हा ब्लिंक करतो आणि हे उघडणार आहोत आपण. म्हणजे इट्स व्हेरी सिंपल. ओपन करा आणि हे उघडून इथं मी पार्सल करू शकतो. हे टेस्ट पार्सल आहे. आता मी बंद करतो. आता क्या बताया की किस तरह की सुविधा पोस्ट ऑफिस ने लाई है, फर्स्ट बार लाई है और अनोखा यह उपक्रम बताया जा रहा है. इस समय पार्सल्स की सेवा बढ़ रही है. पोस्ट ऑफिस में भी पार्सल बहुत डिलीवरी करने के लिए आ रहे हैं. जैसे ई कॉमर्स कंपनीज अपने पार्सल भेजते हैं, लेकिन हमारा पोस्टमैन घर घर जाके डिलीवरी करता है पोस्ट पार्सल्स की. लेकिन कई बार घर पर ताला बंद होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे गए हुए हैं या कोई लोग बाहर गाँव गए हुए हैं, तो वो पोस्टमैन पार्सल की डिलीवरी नहीं कर पाता है और पार्सल को पोस्ट ऑफिस में रखना होता है. इसके लिए एक नई सेवा शुरू की है. ये पायलट प्रोजेक्ट आज वासी पोस्ट ऑफिस नवी मुंबई में शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि एक पॉड बॉक्स लगाया गया है. कस्टमर्स के पार्सल पॉड बॉक्स में रख दिए जाएंगे और उनको एक मैसेज जाएगा, एक OTP जाएगा उनके मोबाइल पे. वो पोस्ट ऑफिस में किसी भी समय, दिन में या रात में, कभी भी जब उनको सहूलियत हो तब पोस्ट ऑफिस में आ सकते हैं. ये पॉड बॉक्स पोस्ट ऑफिस के बाहर रखा गया है, जिससे कि वो अपना OTP डाल के, मोबाइल नंबर इसमें सिस्टम में डालकर पॉड बॉक्स का दरवाज़ा खुलेगा और वो अपना पार्सल वहाँ से ले सकते हैं. इससे ये सुविधा होगी कि उनका पार्सल कहीं भी किसी भी समय वो ले सकते हैं. इसके अलावा कई बार दिक्कत आती है कि एड्रेस पार्सल पाने वाले का सही नहीं होता है या पार्सल उसका एड्रेस ढूंढने में पोस्टमैन को दिक्कत होती है. तो ऐसे भी लोगों को जब ये मैसेज आएगा तो वो पोस्ट ऑफिस आ सकते हैं और अपना पार्सल ले सकते हैं. अभी हमने ये वासी में शुरू की, लेकिन धीरे धीरे हम इसमें नेक्स्ट फेज में थाना प्रधान डाकघर में करने वाले हैं, पूना में इन्फोटेक पार्क पोस्ट ऑफिस में ये देने वाले हैं. लेकिन आगे हम पूरे महाराष्ट्र में अधिक से अधिक पोस्ट ऑफिस में ये सुविधाएँ देंगे और ये सुविधाएँ न केवल महाराष्ट्र में बल्कि देश के अन्य शहरों में भी धीरे धीरे शुरू की जाएगी, जिससे कि लोग अपना पार्सल आसानी से पोस्ट ऑफिस पे बिना किसी दिक्कत के ले सकें. सर, जो आप OTP भेजेंगे वो कितनी देर तक वर्किंग रहेगा? जब तक वो पोस्ट ऑफिस में आके अपना पार्सल नहीं ले लेता है तब तक वो OTP उसका वैलिड रहेगा और उसने अपना OTP शेयर नहीं करना है किसी अनजान आदमी को. लेकिन ये OTP अगर वो अपने पास अपने आप खुद नहीं आ सकता है तो अपने किसी रिश्तेदार को या जो जाने वाला है पोस्ट ऑफिस में पार्सल लेने, या अपने ऑफिस के किसी आदमी को दे सकता है कि वो भी आके उसका नंबर लेके और पार्सल यहाँ से पोस्ट ऑफिस से ले सकता है. थैंक यू सर. आता जे कोण जे स्पीड पोस्टचे पार्सल वगैरे आहेत याचा जास्तीत जास्त लाभ, कारण 24 तास आपण डिलिव्हर करू शकतो, कधी आपण येऊ शकता. आणि या सेवेमध्ये म्हणून आम्ही या सेवेला जे नाव दिले अन्वित, याचा अर्थ आहे की वन हू ब्रिजेस द गॅप. जे जे आपलं फिजिकल डिलिव्हरी आपली करण्याची जे मर्यादा आहे आणि लोकांची जी आवश्यकता आहे ह्याच्यामधला जो गॅप आहे ते भरण्याचं काम आपण करतो. कारण दिवस रात्र माणसं आपण प्रोव्हाइड करू शकत नाही, म्हणून हा रात्रंदिवस काम करणारी ही सिस्टीम आपण प्रोव्हाइड करतो. सध्या हे पायलट प्रोजेक्ट आहे, त्याचा अभ्यास चालू आहे आणि ह्यातून आम्हाला जे लर्निंग्स होतील, आम्ही जे ह्यातून आम्हाला ज्या गोष्टी कळतील त्यातून एक फायनल प्रॉडक्ट आम्ही यातून तयार करू. आणि सध्या तरी हे फ्री आहे, परंतु नंतर जेव्हा आम्ही रेग्युलर बेसिसवरती याला लॉन्च करू मोठ्या प्रमाणावरती, त्यावेळेस मात्र काही चार्जेस निश्चितपणे येथे राहतील. आज सध्या फक्त वाशीमध्ये आम्ही लॉन्च केलं आहे आणि वाशीबरोबरच 1-2 दिवसामध्ये ठाणे आणि पुण्याच्या इन्फोटेक पार्क पोस्ट ऑफिस, ठाणे मुख्य डाकघर आणि इन्फोटेक पार्क पोस्ट ऑफिस पुणे, इथं पण ते लॉन्च होईल. 3 ठिकाणी तुर्तास राहणार आहे, त्याचा अभ्यास आम्ही करू. तर हे 3 जे आम्ही जागा निवडल्या आहेत, अशा प्रकारे निवडलं की जे IT सॅव्ही जे लोकं आहेत
जे दोघंही नवरा बायको जे बाहेर काम करतात आणि असे म्हणजे अशा म्हणजे कुटुंबाच्या रहिवाशींचे जे एक एरिया आहे ते दोन तीन एरियात आहेत त्या दृष्टिकोनातून मी हे निवडलेलं आहे. नवीन मॉडेल आम्ही आणतो या अभियाद्वारे.